अच्छा जी, आज से हम क्वेश्चंस लेना शुरू हो रहे हैं, कमेंट्स लेना शुरू हो रहे हैं। सो पहला हमारे पास कमेंट है फ्रॉम दिव्यांशु शर्मा। ये लिखते हैं कि आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइट। आई सी पीपल सेइंग वेजिटेरियंस कैन नेवर बिल्ड मसल्स एज मच एज नॉन वेजिटेरियंस, सिंस वेजिटेरियन डाइट इज प्लांट बेस्ड एंड वी वेजिटेरियंस डोंट फील कंफर्टेबल इनफ टू स्लॉटर एनिमल्स फॉर आर ओन बॉडी। इट फील्स रियली बैड वन पीपल फॉर द सेक ऑफ देयर बॉडीज कट एनिमल्स एंड ब्रिंग पेन टू देम। सो इज इट रियली अ फैक्ट दैट वेजिटेरियन आर ऑलवेज इन द डिसएडवांटेज एंड हैव लेस मसल पावर? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक? अच्छा जी, इनका नाम है दिव्यांशु। देखें दिव्यांशु, पहली चीज तो जो लोग कॉमेंट करके सवाल कर रहे हैं, एक चीज मैं आज अनाउंस कर दूँ। एक तो आप अपनी कंट्री का नाम जरूर मेंशन किया करें, बिकॉज यू नेवर नो कि किस कॉमेंट पे, किस क्वेश्चन पे आगे चल के वही चीज़ हमारे चैनल पे फीचर हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज आवर चैनल। सो दिव्यांशु की जहाँ तक बात है, देखिए दिव्यांशु, अगर लेट से मैं मीट खाता हूँ, यानी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और आप वेजिटेरियन हैं, सो इफ आई ईट नॉन वेज डजेंट मेक मी अ बैड गाय। सिमिलरली इफ यू ईट वेजिटेरियन फूड डजेंट मेक यू अ गुड गाय। यानी अगर आपको जरा सा भी रिलीजियस चीजों पे भरोसा है, रिलीजियस आपके बिलीव्स हैं, एट द एंड इंसान का अपना जो अमल होता है, जो उसका कर्म होता है, वो उसके साथ जाता है। अब यस, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, इस पे डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स हो सकते हैं, इस पे डिफरेंट टेस्ट बड्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कहा कि जो लेट से आई गो अ बिट ऑफ द टॉपिक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी जिंदगियां बदल दी, अगर आप कभी नोटिस करें तो इससे पहले आपके एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट था, एमिशन था, आप उसको देखें और आप अब देखें, यू विल बी लिटरली अमेज्ड। या फिर अगर इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, एक थ्योरी है कि जी दुनिया भर का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लोबल एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और एक वक्त आएगा कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज दुनिया से खत्म हो जाएंगी। एक नैरेटिव है, एक थ्योरी है। लेकिन अगर आप लिटरली थोड़े से फैक्ट पे गौर करें, पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं और इंडियन जो रिवर्स हैं, अगर आप उसका डाटा देखें, फ्लोर रिवर डाटा देखें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पिछले 40 सालों में चेंज नहीं हुआ। सो यस, इट कैन बी लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट कैन बी डिफरेंस ऑफ बिलीव्स, इट कैन बी डिफरेंस ऑफ द रिलीजियस स्टफ। अब देखें, आपने लफ्ज़ यूज़ किया स्लॉटर का, सो ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एलिमेंट है, तो मैं उसको इस वक्त टच नहीं करूंगा, क्योंकि फिर होता क्या है कि वो भैंस कहीं और निकल जाती है, आग कहीं और लग जाती है, और वैसे भी 70 साल से हम लोग लड़ते हुए ही आ रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस दी टेक्निकल साइड ऑफ योर क्वेश्चन। अच्छा, आपका कहना है कि जी क्या वेजिटेरियंस हमेशा डिसएडवांटेज पे होते हैं व्हेन इट कम्स टू मसल पावर? देखें, ये डिपेंड करता है, इफ़ यू आर एन एथलीट, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, मैंगो पीपल, यानी आपका गोल क्या है, इन ईदर केसेस देयर इज एन आंसर। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि वेजिटेरियंस की हिस्टोरिकली जो हमने उनके फूड के बारे में पढ़ा है, सुना है, सुनते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि उनकी जो डाइट्स होती हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होती हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होती हैं, स्पेसिफिकली प्रोटीन। अगर आप एथलीट्स के केस में बात करें, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स, सो वो एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे होते हैं, जो कि काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जैसे कि मैंने आपसे मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की बात करी, जैसे कि प्रोटीन। अब देखिए, अमीनो एसिड्स का लफ्ज़ हमने अक्सर सुना होगा, जो कि प्रोटीन से निकलता है। टोटल हमारे पास 20-22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20-21 तरह के। एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होता है जो कि आपको अलग से लेना नहीं पड़ता अपनी डाइट वगैरह से, ये आपकी बॉडी मैनेज कर लेती है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो लगभग 8 के करीब होते हैं, वो आपको वाया सप्लीमेंट और डाइट हर हाल में लेना है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। अब कहा यह जाता है, और हम सुनते हुए ये जमाने से आ रहे हैं, कि जी जो वेजिटेरियन फूड्स होते हैं दे एक्चुअली लैक 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और अगर आपके फूड में अमीनो एसिड्स लैक कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ कम्प्लीट प्रोटीन। हालांकि मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आप रीफ्रेस करके बेहतर अंदाज में कह सकते हैं कि जी वो जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वेजिटेरियन फूड्स की, वो इतनी वेल ऑप्टिमाइज नहीं होती जिससे आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस को उससे फ़ायदा उठा सको। आप इस तरह से इसको लिटरली कह सकते हैं। या फिर आप ये समझें कि अगर आप प्लांट फूड्स की बात करें, आप ये कह सकते हैं कि वो इतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं होते जैसे कि एनिमल फूड्स होते। इन अ वे आप इसको ये कह सकते हो, लेकिन ये कहना कि उसमें होता ही नहीं है, दैट इज लाइक अ भंट, ये गलत होता है, ये ब्लंडर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ल्यूसीन,
ल्यूसीन का आपने नाम सुना होगा। ल्यूसीन इज लाइक अ वेरी गुड यू नो ट्रिगर फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ल्यूसीन आपको वेजिटेरियन फूड्स में कम मिलता है, या फिर अगर आप सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे कि मिथायनिन, या फिर आप बात करें सिस्टीन, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, सो इवन प्रोपोर्शनली दूसरे यू नो एनिमल सोर्सेज से अगर आप लिग्यूम्स में देखें तो वो चीज़ कम होती है, या फिर अगर आप बात करें लाइसिन की वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में नहीं होता। समझाने के लिए मैं आपके सामने एक कंपैरिजन बेसिक सा रख सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक फूड कंपेयर करें, यानी यू हैव वन सोर्स ऑफ प्रोटीन लेट्स से फ्रॉम वेज वर्सेस नॉन वेज। वेज में आप ले लें फ्रॉम बीन्स, ठीक है, नॉन वेज में आप ले लें फ्रॉम मीट, फ्रॉम बीफ, ठीक है, इसको कंपेयर करना। और जब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भाई जब आप वेज की बात कर रहे हो सो यू माइट बी नीडिंग ए मिक्सचर और वैरायटी ऑफ फूड जो मुकाबला करेगा द अमीनो एसिड कंटेंट जो कि एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट उनको ऑफर कर रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं स्क्रीन पे आपके सामने रख रहा हूँ द अमीनो एसिड प्रोफाइल ऑफ बीफ। बीफ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरी लिस्ट है अमीनो एसिड्स की, और इसका यूनिट टॉप पे आप देखेंगे मेंशन है मिलीग्राम्स पर ग्राम। लेकिन मैं जो आपको नंबर्स कोट करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि 100 ग्राम में कितना ग्राम आपको अमीनो एसिड मिलेगा। यानी मैं आपसे मिलीग्राम पर ग्राम में बात नहीं करूंगा बल्कि ग्राम्स पर 100 ग्राम्स में आपको चीजें कोट करूंगा। यहां पे अगर आप देखें तो ल्यूसीन विच इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, 100 ग्राम बीफ में आपको 6.18 ग्राम्स ल्यूसीन मिलता है। कितने? 100 ग्राम बीफ में। लेकिन इसी ल्यूसीन की प्रोफाइल अगर आप रेड बीन्स के केस में देखें, एक वेजिटेरियन सोर्स में देखें, तो वहां पे आपको पर 100 ग्राम्स ल्यूसीन मिलता है 0.785 ग्राम्स। इसी तरीके से अगर आप लाइसिन को देखें तो बीफ के 100 ग्राम में 6.66 ग्राम्स मिल रहा है, जबकि 100 ग्राम रेड बीन्स में आपको यही चीज सिर्फ 0.67 ग्राम्स मिलती है पर 100 केजी। इसी तरीके से मिथायनिन 2.37 ग्राम्स वर्सेस 0.105 ग्राम। सिमिलरली सिस्टीन की अगर हम बात करें तो आपको 100 ग्राम बीफ में सिर्फ 1 ग्राम सिस्टीन मिलता है, जबकि 100 ग्राम बीन्स में आपको क्लोज टू 0.1 या फिर 0.095 ग्राम्स मिलेगा। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का आपने नाम सुना होगा जिसको कहते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलीन। ल्यूसीन हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं आइसोल्यूसीन की। जब हम आइसोल्यूसीन की बात करते हैं सो 3.84 ग्राम्स इन बीफ वर्सेस 0.458 ग्राम्स इन रेड बीन्स। वैलीन की बात करते हैं तो 4.48 ग्राम्स वर्सेस 0.512 ग्राम्स इन केस ऑफ रेड बीन्स। यानी अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करो सो 100 ग्राम में देयर इज लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। यानी अगर आप मीट जो कि एक एनिमल सोर्स है उसको कंपेयर करो एक वेजिटेरियन सोर्स है जैसे कि रेड बीन्स, सो देयर इज नो लिटरली कंपैरिजन। नॉन वेजिटेरियन के केस में हो सकता है अगर आप जितनी अच्छी प्रोफाइल अमीनो एसिड या ये कहें कि जितनी रिच अमीनो एसिड प्रोफाइल बीफ की है इसको इसके बराबर लाने के लिए, इसको इक्वेट करने के लिए हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड ज़्यादा क्वांटिटीज में खाना पड़े, या फिर ये कहें कि आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल या वेजिटेरियन फूड्स ऐड करने पड़े इन ऑर्डर टू काउंटर या फिर इन ऑर्डर टू इक्वेट, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सहारा लेना पड़े सप्लीमेंट्स का। काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड यू नो सप्लीमेंट्स मौजूद है, सो इन दैट केस यस आप अपना जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसको बेहतर बना सकते हो फ्रॉम प्लांट बेस्ड सप्लीमेंटेशन एज वेल। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लेना, दैट शुड बी लाइक सर्टिफाइड, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको ऑफकोर्स उसका फ़ायदा होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना पड़ेगा इसको इक्वेट करने के लिए, उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल को कम्पीट करने के लिए जो कि एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से निकला है, क्या करना पड़ेगा? या तो हो सकता है आपको खाने की क्वांटिटी बढ़ानी पड़े या फिर आपको वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करने पड़े। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या आप अचीव कर सकते हो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को? सो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। यानी इवन इफ यू आर अ सेलिब्रिटी और एथलीट, एथलीट के केस में ऑफ कोर्स फिर जो सप्लीमेंटेशन का सहारा होगा वो फिर बहुत ज्यादा उसको डिपेंड करना पड़ेगा बिकॉज दे कैन नॉट ईट ऑल डे लॉन्ग, दैट्स इट। लेकिन इन केस ऑफ यू नो अगर मैं आपकी बात करूं या फिर नॉर्मल लोगों की बात करूं जो कि वेजिटेरियंस हैं, इन ईदर केसेस आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो वट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। यानी क्या पॉसिबल है? यस, थोड़ा सा यू नो हो सकता है यू हैव टू यू नो गो एक्स्ट्रा माइल, लेकिन आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे जी मैं अपने फलाना सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर या फिर बॉडी बिल्डर की तरह बन सकता हूँ, देखो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मेजोरिटी ऑफ दीज पीपल दे आर ऑन सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनल असिस्टेंस, तो उसके केस में
आप तो क्या, इवन जो सुबह शाम गोश्त खाता रहता है वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सो एट द एंड यस, यू कैन डेफिनेटली अचीव। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लेट मी नो बाय लीविंग अ कमेंट एंड अ थम्स अप बिलो। सी यू गाइस।